हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेजे ऑटोमेल व्लॉग्स और मैं हूं जितेश। सो गाइस, जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है भाई बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो, और आप लोगों ने भाई ऐसी वीडियो पहले नहीं देखी होगी। तो मैं भी भाई यूट्यूब पे सर्च कर रहा था और मुझे भी एज सच कोई कंटेंट नहीं मिला, तो भाई शायद ये वीडियो मतलब कह सकते हैं फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब ही आ रही है। तो आप लोगों ने भाई अपना टाइटल और थंबनेल देख के कुछ कुछ आइडिया तो लगा ही लिया होगा आज की वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाली है। तो यस गाइस, आज हम अपनी स्कॉर्पियो S5 मॉडल के अंदर टॉप मॉडल वाले स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जिन भी भाइयों के पास स्कॉर्पियो है, जो भी भाई प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा भाई स्कॉर्पियो S5 जो बेस मॉडल आता है उसके अंदर हमारे स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स नहीं आते हैं, आपको सिर्फ अपने S9 S11 वेरिएंट्स में ही मिलते हैं। तो आज हम भाई अपने बेस मॉडल के अंदर ओरिजिनल वाले जो स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं, जेन्युइन भाई महिंद्रा की तरफ से जो आते हैं। साथ के साथ भाई ओरिजिनल से याद आया, अगर आप लोगों को अपनी गाड़ी के लिए कोई भी ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स चाहिए और आप लोग भाई सोच रहे हो कि हमें 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स कहां से मिलेंगे, तो भाई आप लोगों को परचेस कर सकते हो अपना bodmoo.com पे। तो भाई bodmoo पे आप लोगों के हर एक गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स हैं। मान लो अगर BMW है, आपके पास ऑडी है, जैगुआर है, मर्सिडीज है, रेंज रोवर है, स्विफ्ट है, बलिनो है, आपको उसका कोई भी पार्ट चाहिए, लाइक आपको उसका बम्पर चाहिए, आपको उसकी हेडलाइट चाहिए, आप लोगों को उसका रियर बम्पर चाहिए, टेल लाइट चाहिए, कोई भी पार्ट हो, कोई भी गाड़ी हो, आप लोगों को बिल्कुल 100% ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा। साथ के साथ भाई अपना पैन इंडिया डिलीवरी है, मतलब आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो और आप लोगों को अपनी गाड़ी के लिए स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो भाई वो ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही भाई अपना कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी है, और सबसे अच्छी बात है भाई जो उसका ऐप है वो यूज करना बहुत ही सिंपल है, आप उसे मतलब बहुत तरीके से अपने पार्ट सर्च कर सकते हो। तो फटाफट एक बार मैं आप लोगों का पूरे ऐप का इंटरफेस और कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर करेंगे भाई अपनी स्कॉर्पियो के स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी ऐप ओपन कर ली है, तो यहाँ पे आप लोगों को भाई तीन ऑप्शन मिलते हैं अपने पार्ट सर्च करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है भाई सर्च का, जिसके अंदर आप जोन से भी आप लोगों को पार्ट चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो। जैसे भाई मैं सर्च करता हूँ बलिनो बम्पर्स, और जैसे मैंने सर्च करे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, बम्पर ट्रिम। तो यहाँ पे मैं फ्रंट बम्पर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे भाई आपकी गाड़ी का ये ईयर मांगेगा, तो हम जैसे 2018 कर देते हैं, और हम RS का बम्पर सर्च करते हैं। तो आप ये देखो भाई फ्रंट बम्पर अपना RS का आ चुका है, अपना भाई MRP वगैरह हर चीज़ बिल्कुल OEM पार्ट, ये देखो सुजुकी मारुति सुजुकी। एक तो ऑप्शन अपने पास भाई ये है, सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई आप कार टू कार सर्च कर सकते हो, जैसे कि हम कार में एक मतलब कौन सा ब्रांड है, अगर हम हुंडई में जाते हैं, मॉडल लाइन में जाते हैं कि भाई क्रेटा सर्च करते हैं, ईयर ईयर अपने पास 2018 सर्च कर ले, मॉडिफिकेशन मतलब भाई कौन सा हमारा मॉडल है, तो भाई हम कोई भी कर लेते हैं अपना 1.6 CIDA कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई नया ऑप्शन आप लोगों के पास मिलता है सर्च OEM कैटलॉग, तो इसके अंदर सारे A to Z पार्ट्स आ जाएंगे जो भी आप लोगों को भाई क्रेटा से रिलेटेड चाहिए होते हैं, जैसे बॉडी, चेसिस, इलेक्ट्रिकल, जो उन सब भी आप लोगों को पार्ट चाहिए। जैसे हम बॉडी देख लेते हैं, अगर हम बॉडी में क्लिक करते हैं तो भाई अपना सब कुछ आ गया इसके अंदर, बॉडी का बोनट से लेके बम्पर A to Z चीज़। और जो लास्ट ऑप्शन अपने पास भाई सर्च करने के लिए मिलता है वो मिलता है विन नंबर, तो यहाँ पे सेम अपना ब्रांड डालो और विन नंबर डालो और आप लोगों को पूरे पार्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो भाई आप लोगों ने देखा कितना सिंपल यूज़र इंटरफेस है इसका, और आप इजीली अपने जो भी पार्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को भी कुछ भी पार्ट ऑर्डर करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है भाई, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। तो भाई ये तो बात हो गई bodmoo की, अब करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, जो अपनी स्कॉर्पियो है जिसके अंदर आज पूरे स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल इंस्टॉल हो रहे हैं वो अपने साथ आ चुके हैं भाई। सबसे पहले मैं आप लोगों को वेरिएंट दिखा देता हूँ कौन सा वेरिएंट है भाई, अपना S5 वेरिएंट है जिसके अंदर स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं, और गाड़ी का कलर भाई अपना पूरा ब्लैक है। अलॉयज भी इसके अंदर काफ़ी स्मार्ट डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो अपने 17 इंचेस में। तो भाई जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले जो मेन काम होता है वो था भाई आपका स्टीयरिंग रिमूव करके उसे खोलना। तो आप लोग देख सकते हो भाई इसका जो पूरा सेंटर वाला पार्ट था वो सब रिमूव कर दिया गया है, और यहाँ पर अपने स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल इंस्टॉल हो जाएंगे बिल्कुल OEM टाइप में, जैसे आपका ओरिजिनल टाइप में आते हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो आगे आगे जैसे जैसे जो भी काम होता है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो इसका जो भाई पूरा स्टीयरिंग वाला पार्ट है वो खुल चुका है, और जहाँ पे भाई स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल इंस्टॉल होने हैं उसका जो प्लास्टिक वाला OEM पार्ट होता है वो हट चुका है, और देख सकते हो अपने जो टॉप मॉडल वाले आ चुके हैं भाई स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल, तो वो इस जगह पर पूरी प्लेसमेंट होनी है, सेम अपना लेफ्ट और सेम राइट में। तो एक बार इसका जो ओरिजिनल पार्ट निकला था वो भी दिखा दो। तो गाइस ये देख सकते हो आप, जो इसका ओरिजिनल पार्ट था वो अपने हाथ में यहाँ पे आ चुका है, और बिल्कुल भाई H2H OEM फिटिंग है बिल्कुल, आप देख सकते हो। जस्ट भाई इसका थोड़ा बहुत वायरिंग का काम रह गया, तो एक बार उसे भी होने देते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही पूरा भाई अपने स्टीरियो के साथ इसे सेट करेंगे और ऑन करके जैसे भी पूरा सब कुछ वर्क करेगा आपके साथ में शेयर करता हूँ।
सो गाइस एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका वायरिंग का सेटअप भी बता देता हूँ। तुम्हारे भाई जो ओरिजिनल वाले स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल से टॉप मॉडल वाले वो प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो H2H फिट हो चुके हैं। इस साइड से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और यहाँ पे भाई इसके ऑलरेडी आप देख सकते हो इसके साथ वायरिंग आती है और बिल्कुल OEM वाली वायरिंग तरीके से सेट हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, देखो साइड में स्पेस है बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो भाई बिल्कुल H2H ये सेट हो चुकी है, सेम अपनी यही हो जाएगी। और यहाँ पे इसके अंदर भाई पूरा कपलर सिस्टम होता है, तो जस्ट आप लोगों को यहाँ पे कपलर इंसर्ट करना होता है और मैं आप लोगों को इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। देखो अपना कपलर इंसर्ट हो गया और स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल की जो वायरिंग वगैरह है वो सब कुछ ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जस्ट ये वाला पार्ट वर्किंग होगा क्योंकि भाई स्टीरियो से रिलेटेड यही सेटिंग आती है। आप ये वाले जो पार्ट्स देखोगे भाई क्रूज कंट्रोल वगैरह के होते हैं, तो ये भाई बेस मॉडल में आफ्टर मार्केट अवेलेबल नहीं हुआ है सिस्टम। जस्ट आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिटिंग हो चुकी है और यहाँ पे भाई एक्स्ट्रा वायरिंग डाली जाती है ताकि जो इसे पूरा वर्क कराती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रही है, तो भाई सब कुछ वायरिंग अंदर ही अंदर रहेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा और कोई वायरिंग वगैरह कट नहीं होगी। तो भैया वायरिंग वगैरह तो कोई कट नहीं होती ना, कोई वायरिंग भी कटम नहीं होती, अपनी वायर बनाते हैं बिल्कुल वायर बनाते हैं और मतलब कोई बस कपलर बनते हैं A to Z कपलर बनते हैं, पिन डालते हैं, वो हमारे में पिने रहती है, वो पिने डाल के काम करते हैं, ऐसे कंपनी में काम होता है। चलो तो भाई ये भी भाई ने आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग देख सकते हो भाई ये वाली वायरिंग पूरी अपनी बनी है और ये अपने थोड़ा नीचे किस पार्ट से आती है क्योंकि ये वाला कपलर इंसर्ट होकर अपना नीचे की साइड आता है और भाई कोई भी वायरिंग कट वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो जस्ट अब एक बार इसे फाइनलाइज होने देते हैं, इसे पूरे को पैक होने देते हैं, फिर आप लोगों को हर चीज़ जो है पूरे सारे बटन्स वगैरह वो आप लोगों को मैं वर्क करके दिखाता हूँ। Moments later. So guys, जो हमारे स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल है अब फाइनली इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसकी भाई पूरी फिटिंग देख सकते हो कितनी अपनी प्रॉपर फिटिंग आई है और बिल्कुल भाई ओरिजिनल वाले जो ओरिजिनल स्पेस में आता है वहीं पे अपने फिट हो चुके हैं। तो ये वाले जो हमारे भाई चारों बटन है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेंगे और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था भाई क्रूज कंट्रोल वगैरह ऑप्शन वगैरह नहीं चलता, बट ये वाले बिल्कुल परफेक्टली चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके भाई लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो भाई अभी ब्राइट अप है, फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ, देखो भाई ऑन अपना ऑफ। तो जैसे आप लोगों को टॉप मॉडल में मिलती है भाई लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन, वो भी बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। और आप लोगों को एक बार स्टीरियो वगैरह का भी दिखा देता हूँ पूरा रिस्पॉन्स इसे वर्क करवा के। तो सबसे पहले भाई मैं अपना ऑन करता हूँ म्यूट वाला बटन, तो आप देख सकते हो यहीं से सब कुछ वर्क हो रहा है। ये देखो भाई म्यूट अनम्यूट, अपना वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस, और ये अपना भाई सोर्स चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे सारे आ चुके हैं देखो सोर्स चेंज का, और ये अपना चेंज वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे भाई अपना जो स्टीरियो होता है उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो आपका दिल करे आप उस हिसाब से अपना ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने स्टीयरिंग कंट्रोल के ऑप्शन में चला गया, तो यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस हैं आप इसके साथ सिंक कर सकते हो। तो प्लस माइनस वॉल्यूम का हमने भाई म्यूट सोर्स और ये चेंज वाला ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रखा है। और वो दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो अपना FM वाला मोड ऑन है और ये अपना म्यूट अनम्यूट और सोर्स। अब जैसे मैं म्यूजिक वाले मोड पर चला जाता हूँ तो अपना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये देखो सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो अभी आप देख लो भाई S5 मॉडल के अंदर हमने टॉप मॉडल वाले स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स इंस्टॉल कर दिए। तो ये तो बात हुई भाई एक चीज की, और अब बात करते हैं भाई डिंपल भैया से कि इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं जो हम इसके अंदर टॉप मॉडल वाले लगा सकते हैं। सो गाइस स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल की तो पूरी इंस्टॉलेशन और वर्किंग आप लोगों ने देख लिया, तो एक बार भाई मैं आप लोगों को गाड़ी के ओनर से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो भैया आपका नाम? वरुण। भैया आपका? राहुल। और भैया? तो भाई हमारे तीनों भैया की गाड़ी थी। तो भैया एक बात बताओ, जो आपके स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल इंस्टॉल हुए उसकी फिटिंग वगैरह कैसी आई है? बिल्कुल प्रॉपर जानमन जैसी आई है, जैसे कंपनी फिटेड होता है वैसी है। मतलब ऐसा लगता नहीं रहा कुछ बाहर से काम हो रखा है? नहीं, नहीं, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर से इंस्टॉल भी कराया। और भी एक चीज और बताओ कि सारा काम आपकी आंखों के सामने हुआ है, तो वायरिंग वगैरह भी कुछ कट हुई है? नहीं नहीं, कपलर टू कपलर काम हुआ है सारा। चलो तो भाई भैया ने आपके साथ एक रियल रिव्यू शेयर कर दिया, और आप भाई दोबारा से फिटिंग वगैरह और दूर से लुक देखना चाहो तो बिल्कुल अपनी स्नग फिट जो फिटिंग आती है भाई वही आ रही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई चेंजेस इसके अंदर हुए हैं। बाकी भाई रिव्यू तो भैया ने आपके साथ शेयर कर ही दिया। सो गाइस आप लोगों ने अपनी S5 के अंदर टॉप मॉडल वाले भाई स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल इंस्टॉल होते हुए पूरे देख लिए होंगे। तो भाई हमारे मन्नू भैया और डिंपल भैया ही नहीं, कुछ हर बार की तरह अलग करने की कोशिश करी और भाई हमने आज इंस्टॉल कर दिए। तो भैया जैसे ही एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, बाकी अगर किसी को और अपनी S5 जैसे मॉडल है और उसे अपनी S11 वाली इंपॉर्टेंट महिंद्रा की जेन्युइन सीरीज लगवानी हो तो वो क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहले तो जो आपके ट्रैक करेगी इसकी हेडलाइट है, S11 की जो टॉप एंड वेरिएंट की हेडलाइट आती है जेन्युइन और ब्रांड न्यू मिलेगी, ब्रांड न्यू डब्बा सील्ड बैग आपके सामने डब्बा खुलेगा। तो भाई S11 की महिंद्रा की जेन्युइन टॉप मॉडल की प्रोजेक्टर वाली DRL वाली हेडलाइट्स मिल जाएगी। सेकंड चीज भी, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्लग एंड प्ले होगी, कोई वायर कट नहीं करेगी, बहुत अच्छी बात है। और सेकेंडरी उसमें आपको प्लग रिप्लेसमेंट वाली ग्रिल मिल जाएगी, उसमें एक कॉपी भी आता है जो आफ्टर मार्केट देखोगे तो देखने में बिल्कुल एग्जैक्ट S11 वाला लुक देगी, बट वो हमारे ऊपर चिपकाने वाले रिंग्स होते हैं जो इंस्टॉल कर, ठीक है। तो अपने पास अपनी जेन्युइन ग्रिल महिंद्रा की ग्रिल मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज भी अपने पास फॉगलेट्स मिल जाएंगे जो रूमैक्स कंपनी के लग के आता है, उसमें वो भी अवेलेबल है।
अगर बाहर फ्रंट में तो मेजर चीज यही होती है, इसके पीछे की साइड जाएंगे तो डी पिलर और इसके टेल लाइट में अवेलेबल है। बाकी भाई इंटीरियर के अंदर एक और चीज है जो आपकी टॉप मॉडल में लाइट्स आती है, रोलिंग वाली, चेंजिंग वाली, जिसे हम रीडिंग लाइट्स भी कह सकते हैं, वो भी जेन्युइन महिंद्रा के टॉप मॉडल वाली, वो भी अवेलेबल है ना भाई, सब कुछ मिल जाएगा। तो भाई ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हमने आप लोगों को बता दिया। बाकी भी आफ्टर मार्केट में तो जो मर्जी चीजें हैं कि जैसे अगर सनग्लास होल्डर आगे लगाना है विद लाइट्स, एलईडी लाइट्स, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टीरियोस, मतलब बहुत ऑप्शंस है। बाकी भाई आपको मॉडिफिकेशन चाहिए तो सब चीज मिल जाएगी। ये मैंने सिर्फ आपको ओईएम पार्ट्स बताए हैं जो आप जेन्युइन महिंद्रा के एस इलेवन वाले पार्ट्स ले सकते हो। बाकी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आज हमने स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल लगवाया इसमें टाइम प्लस प्राइसिंग क्या बैठती है? प्राइसिंग डिपेंड करती है जो बंदा कॉल कर रहा है वो इस वीडियो को देख कर रहा है। बिल्कुल आज की डेट के हिसाब से लोग जो भी आज की करंट डेट है इसका रेट इसका 8 से 8.5 हज़ार रुपए के आसपास का है और हो सकता है इन फ्यूचर रेट काफी ज्यादा डाउन भी। क्या होता है प्राइसिंग हमेशा फ्लक्चुएट होती है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आप लोग भाई ये बोलते हो कि यार प्राइसिंग नहीं बताते, इसलिए मैंने भाई आप लोगों को प्राइसिंग बता दी। फ्यूचर में हो सकता है कि भाई इसकी प्राइसिंग कम भी हो, फ्यूचर में हो सकता है इसकी प्राइसिंग ज्यादा भी हो, तो अभी का जो रेट है भाई वो 8 से 8.5 हज़ार के बीच में ही रहता है। तो इट्स बेटर है जब भी लगवाने आओ भैया को कॉन्टेक्ट कर लेना, नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, भैया आप लोगों को एग्जैक्ट प्राइसिंग बता देंगे प्लस टाइमिंग वगैरह हर चीज बता देंगे। तो भैया इंस्टॉलेशन में टाइम कितना लगता है? लगभग आधा घंटा। आधा घंटा तो भाई सब कुछ प्लग एंड प्ले सिस्टम है, मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। बाकी भैया का नंबर है, कोई भी डिटेल चाहिए स्कॉर्पियो से रिलेटेड आप भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओरिजिनल पार्ट से ये मिल जाएंगे, आफ्टर मार्केट पार्ट से ये मिल जाएंगे। तो आई होप भाई आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी भाई एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब वाला रेड वाला बटन जरूर दबा देना, क्योंकि भैया और के साथ मिलकर हम भाई स्पेशल स्पेशल कंटेंट लाते रहते हैं। बाकी भाई एक चीज दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइसिंग फिक्स कभी नहीं होती, जब भी चाहिए कॉन्टेक्ट करो, प्राइस लो और अपना प्रोडक्ट आप लगवा सकते हो। भैया आना कैसे एक बार लास्ट चीज बता दो। ये आप अगर हनुमान बीच से नीचे आते हो बफार की साइड में तो तीसरे चौक पे आपका धनलक्ष्मी बैंक पड़ता है, उसी लाइन में आपने अंदर आना है, राइट साइड में आपकी शॉप पड़ेगी बालाजी कार सर्विस। भाई डेली अपना जो डेली करोल बाग है वहाँ पे पड़ता है बालाजी कार सर्विस कार स्टूडियो, भी की दो शॉप है, आप कहीं पे भी आके विजिट कर सकते हो। तो कर रहे अपनी वीडियो को यही एंड, थैंक यू।